हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहा हूँ रियलमी पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर। और गाइस, ये स्पीकर अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रियलमी ने। काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली तो है ही और काफ़ी ज़्यादा दमदार भी ये स्पीकर आपको मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर देना। मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक कंसर्न। चले देर की इस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू कर। सो गाइस, अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको रियलमी पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। इमेजेस हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन है और बॉक्स के बैक साइड में इसकी प्राइसिंग मेंशन है 1499 रुपए, बट एक्चुअल प्राइस काफी ज्यादा कम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको यहां पर यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही साथ एक यूजर मैनुअल मिलती है। फाइनली आपको यहां पर ब्लूटूथ स्पीकर देखने के लिए मिलता है रियलमी पॉकेट। अब अगर हम आगे बढ़े और बात करें इस स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की, तो शुरुआत में यहां पर डिजाइन से करना चाहूंगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव इसका डिजाइन लगा। अपर साइड में आपको कंप्लीट ग्रिलिंग देखने के लिए मिलती है, ज्यादा कॉम्पैक्ट और पॉकेट फ्रेंडली से यहां पर देखते हुए बनाया गया ताकि आप इजीली इसे कैरी कर सके। काफी अच्छा आपको यहाँ पर कर्व्स देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल काफी अच्छी यहाँ पर लुक्स और डिजाइन मुझे इसका लगा। अपर साइड में जो यहाँ पर मिलिट्री टाइप का प्रिंट आपको देखने के लिए मिलता है, ये कंप्लीट जो मैश आपको मिलती है ये कंप्लीट यहाँ पर मेटल की बनाई गई है। ओवरऑल यहाँ पर प्लास्टिक का यूज किया गया है इस स्पीकर में और साथ ही साथ यहाँ पर बॉटम साइड में लिखा गया है रियलमी डेयर टू लीप और कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। टर्न फंक्शन की बात करें तो स्पीकर के फ्रंट साइड में आपको मिलता है म्यूट बटन, साथ ही साथ यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन है, एक एलईडी लाइट इंडिकेटर और एक माइक्रोफोन आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्पीकर के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है और ये इजीली यहाँ पर कवर अप हो जाता है सिलिकॉन कैप से, तो ये काफी अच्छा यहाँ पर इसे वाटर प्रोटेक्शन बनाकर रखता है। अब अगर इसकी मैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो गाइज कंप्लीट प्लास्टिक और मेटल के यूज से इसे बनाया गया है और ओवरऑल काफी ज्यादा सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी है। इजीली आप इसे अपने साथ भी कैरी कर सकते हो और काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन यहाँ पर रखी गई है। साथ इसका ऑडियो सैंपल शेयर कर रहा हूँ, आप उसे सुनिए, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगा अपने ओपिनियन की और आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा रियलमी पॉकेट का साउंड आउटपुट। सो गाइज, आपने सुना ये था इसका साउंड आउटपुट और सच बताऊं गाइज 3 वोल्ट स्पीकर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दमदार मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी लगी। ओवरऑल जो इसके हाई मिड्स और लोज है वो तो बैलेंस है ही, बट उसके साथ 3 वोल्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बेस ये यहाँ पर प्रोड्यूस करता है और ओवरऑल काफ़ी अच्छी लाउडनेस भी यहाँ पर मिलती है। मोस्टली जो 3 वोल्ट स्पीकर मिलते हैं उसमें लाउडनेस काफ़ी हद तक कम सुनने के लिए मिलते हैं, बट इस स्पीकर के अंदर मुझे लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुनने के लिए मिली, तो ओवरऑल साउंड आउटपुट के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है स्पीकर। तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है। गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसी रियलमी पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर का गेमिंग टेस्ट और यहां पर सबसे पहले हम नॉर्मल मोड में गेम्स खेलेंगे ताकि आपको लेटेंसी का पता चल जाए। उसके बाद मैं गेमिंग मोड में स्विच करूंगा तो आपको इजीली यहां पर पता चल जाएगा कितना आपको बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है गेमिंग मोड में और नॉर्मल मोड में अगर आप यूज करते हैं रियलमी पॉकेट को इन गेमिंग। सो गाइज, आपने देखा ये था कंप्लीट गेमिंग टेस्ट इसी रियलमी पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर का। और गाइज सीरियसली मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी कम लेटेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आप इसे गेमिंग में यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर जब मैंने इसे गेमिंग मोड में स्विच किया यहाँ पर सिंपली मुझे पावर बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ा गेमिंग मोड में जाने के लिए और नॉर्मल मोड से गेमिंग मोड में काफ़ी हद तक लो लेटेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ यहाँ पर इस स्पीकर को आप एज ए गेमिंग में यूज़ करें क्योंकि हेडफोन से आपको काफ़ी ज़्यादा माइनर से माइनर डिटेलिंग्स का भी पता चलता है, बट फिर भी अगर आप
यहाँ पर चाहते हैं इसे यूज करना तो डेफिनेटली आप गेमिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 3 वोल्ट का कंप्लीट आपको आउटपुट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 600 mAh की बैटरी यहाँ पर लगाई गई है जो कि आपको कंप्लीट 6 घंटे का प्लेबैक टाइम यहाँ पर ऑफर करेगा जैसा ब्रांड यहाँ पर बोलती है। चार्जिंग टाइम आपको यहाँ पर 2.5 घंटे लगने वाला है। टाइप सी के थ्रू आप इसे जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। वीडियो में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिलता है। रेंज इसकी 10 मीटर होने वाली। गाइज इस स्पीकर के अंदर आपको 3 इक्वलाइजर प्रीसेट्स देखने के लिए मिलते हैं, बेस, डायनामिक और ब्राइट। तो आप अपनी चूज के हिसाब से किसी को भी पिक कर सकते हैं, वो काफी अच्छे यहाँ पर यूजफुल रहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है IPX5 वाटर रेजिस्टेंस। तो वाटर स्प्लैशेस अगर इस स्पीकर पर आते हैं तो उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, ये इजीली उन्हें सर्वाइव कर जाएगा। अब गाइज अगर इस स्पीकर की प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो यार यहाँ पर करंटली 899 रुपये में सेल हो रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जाकर परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पीकर है यार, 3 वोल्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और वैल्यू फॉर मनी स्पीकर मुझे यहाँ पर ये पसंद। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, ये स्पीकर आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे बताएगा। अदर वीडियोज़ के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपने पहली बार देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपूर्व आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।